अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Facebook पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। नेक्सजेन वीजा कंसल्टेंट यूकी स्टडी वीजा अप्लाई नाउ गेट 2 ईयर वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीट यूर कोर्स। नो कंसोलिडेशन चार्जेस, नो एप्लीकेशन फीस। एड्रेस राम गोपाल एस्टेट, विशन सारूक कॉलोनी, पानीपत। कॉन्टैक्ट नंबर 9094200484। बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद विज के समर्थन में शुक्रवार को पानीपत शहर में रोड शो निकाला जाएगा, जिसके लिए आज संयुक्त व्यापार मंडल की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग की अध्यक्षता अनिल मदान ने की। मीटिंग में बाजारों के सभी प्रधान मौजूद रहे। प्रमोद विज और पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कल होने वाला रोड शो पहले हुए रोड शो से काफी बेहतरीन होगा और ये रोड शो विभिन्न बाजारों से होते हुए पालिका बाजार में पहुँचेगा। मेरे को तो न्योता जो है हमारे मित्र अनिल मदान जी, जो बाज़ारों के प्रधान सभी हैं, जहाँ के मार्केट के उनके सरप्रस्त हैं, प्रधान हैं, तो उन्होंने न्योता दिया था। बाज़ार वाले कुछ कल आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो कल हमारा रोड शो है, तो उसी के लिए आशीर्वाद देने के लिए सभी बाज़ारों के अध्यक्ष आए हुए थे यहाँ पे, तो उस कार्यक्रम में आए हुए थे। भगवा रंग की बात कर रहे थे, पूरा पानीपत भगवा रंग में आ गया। भगवा रंग और भी ज़्यादा चढ़ गया। ये मेयर के चुनाव में भगवा रंग चढ़ा था पानीपत पे, और भाई संजय भाटिया जी के चुनाव में और भी गहरा हुआ, और अब तो इतना गहरा हो गया कि आप देखिएगा भगवा रंग सारी तरफ, चारों तरफ, ऊपर नीचे सब भगवा है पानीपत के अंदर। 1 लाख प्लस सभा भी हो सकता है। यह तो कार्यकर्ता की मेहनत है, जनता का विश्वास है, जिसके लिए मैं सबको संपर्क कर रहा हूँ और बहुत प्यार मिल रहा है। हर एक जगह से बहुत प्यार दिया लोगों ने। पिताजी की यादें लोग सुनाते हैं, कई बुजुर्ग लोग मिलते हैं तो बताते हैं पिताजी क्या कहा करते थे, उस टाइम के नारे क्या होते थे, और लोगों को आज भी जवानी याद है। तो बहुत परिवार को मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, और मुझे यकीन है ये जो डिफरेंस है वोट का, बहुमत जो है ये 1 लाख या 1.25 लाख भी हो सकता है। पहली बार प्रधानमंत्री ने आपको स्टेज पर बुलाया था, भाई ने क्या लगा दोस्तों? बहुत अच्छा लगा। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं, और उनके मंच पे मेरा जाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने 2 बार, मुझे संगठन पार्टी ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने उनको 2 बार रिसीव किया, 1 बार कुरुक्षेत्र में और 1 बार करनाल में, और अब मेरा सौभाग्य है कि पानीपत का प्रत्याशी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कुरुक्षेत्र में मुझे पार्टी ने निमंत्रण दिया था और मैं वहाँ गया और उनसे मिलने का मौका मिला। तैयारियाँ बहुत बढ़िया तैयारियाँ हैं, बीजेपी हुई पड़ी है पूरे पानीपत में, पूरे हरियाणा के अंदर, और पानीपत की एक सीट ऐसी है कि जो हम पूरे हरियाणा के अंदर, हो सकता है अगर परमात्मा ने चाहा, पानीपत ने चाहा, लोगों ने चाहा, तो देश में नंबर 1 पे है। वही संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल मदान ने कहा कि प्रमोद विज के रोड शो को लेकर दुकानदारों में उत्साह बना हुआ है और उनका बाजारों में भव्य स्वागत किया जाएगा। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का रोड शो बाजारों में है। आज उस विषय में सभी बाजार के प्रधानों की, संयुक्त व्यापार मंडल के जो हमारे प्रधान है, मीटिंग बुलाई थी। हमारे प्रधानों की तरफ से माननीय प्रत्याशी जी का जो स्वागत होगा वो आज तक किसी भी प्रत्याशी का रोड शो में नहीं हुआ होगा, और जोर शोर से प्रधान स्वागत करेंगे और वेलकम करेंगे, सभी दुकानदार वेलकम करेंगे, अभूतपूर्व होगा ऐसा मुझे लगता है। प्रमोद विज जहां 1.25 लाख प्लस की जीत की बात कर रहे हैं, वहीं उनके सामने कांग्रेस के संजय अग्रवाल भी जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल सारा मामला जनता के हाथ में है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक, जीटी रोड, पानीपत। एएसएम आरओ लगाओ, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन एसी पर फ्री गिफ्ट, 10% कैश बैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।